आज हम बात करेंगे उस स्लो पॉइजन की जो आपकी किचन में एंटर हो चुका है और उसका इस्तेमाल आप धड़ल्ले से कर रहे हैं। दरअसल ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, आपकी सेहत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, क्योंकि चाइनीज लहसुन अब मंडियों से सीधे आपके किचन में एंटर कर चुका है, आपकी किचन में दस्तक दे चुका है। हजारों क्विंटल चाइनीज लहसुन शहर के अलग अलग मंडियों में पहुंच रहा है। जबलपुर में भी इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, क्योंकि मार्केट में अब इसकी आवक शुरू हो चुकी है। असम और बिहार बॉर्डर से बड़ी मात्रा में अमानक और प्रतिबंधित लहसुन पहुंच रहा है। खास तौर पर अगर बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर के बाजारों में हानिकारक केमिकल पेस्टिसाइड से इसे तैयार किया जाता है और अब इसे बाजारों में बेचा जा रहा है। चाइनीज लहसुन जो 2014 में पूरे देश भर में प्रतिबंधित कर दिया गया था, 2014 में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, लेकिन बैन के बावजूद भी, प्रतिबंधित करने के बावजूद भी धड़ल्ले से इसे बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आपको भी सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ारों में ये बेहद ही सस्ते दामों में बिकता है। ऐसे में ग्राहक इसे आसानी से खरीद लेते हैं और उसके बाद ये सीधे आपके किचन में पहुंच जाता है। इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक इस पूरे मामले में अनजान बने हुए हैं। तो आपको ये भी बता दें कि आपकी सेहत के लिए ये चाइनीज लहसुन बेहद ही घातक होता है, बेहद ही खतरनाक होता है। चाइना लहसुन ये सर एक तो मोटा रहता है, तो उससे ग्राहक उस पर पहले उसको ध्यान दे रहा है और ये बहुत ही नुकसानदेह है और इसमें केमिकल है जो भी है, रह रहे काला पड़ जाता है और नुकसानदेह बहुत है इससे जी। ये सबको जान के फुटकर व्यापारी जो हैं, फुटकर जो ठेले वाले लगाते हैं, डलिया में लगाते हैं, वो माल क्या है वो यही लगाते हैं, क्योंकि जल्दी बिक जाता है, आसानी से छिल जाता है, तो आदमी सोचता है ये बेहतर है जी। अब जो खा रहे हैं उनको जानकारी है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन ये आप लोगों को जानकारी लेना चाहिए कि कैसे आ रहा है, कैसे बिक रहा है, जबकि प्रतिबंध लगा है इस पर, बैन लगा है, सरकारी मंडी में आके बिक रहा है भाई, कोई रोकथाम नहीं है जी। अधिकतर डिमांड उसे ही कर रहा है आदमी, क्योंकि दो पैसे कम में आ रहा है, कल कहाँ से आ रहा है ये जानकारी नहीं है अपन को, लेकिन पार्सल द्वारा आ रहा है ये माल। तो कहने को ठंड के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और इसे एक हेल्दी सीजन भी कहा जाता है, जहां हरी भरी सब्जियों का उपयोग ज्यादा हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो आपके सेहत से जुड़ी हुई है और बेहद बड़ी खबर भी है। इस वक्त मेरे जो हाथ में आप लहसुन देख रहे हैं, ये देसी लहसुन है जो अमून इराक से भी आती है और इसका इस्तेमाल भी घरों में होता है। लेकिन इन दिनों लहसुन का एक नई वैरायटी जिसे चाइनीज लहसुन कहा जा रहा है वो धड़ल्ले से मंडियों पर आ गई है। आज इस खास खबर के जरिए हम उसी चाइनीज लहसुन की तस्वीर जो है आपको दिखाना चाहेंगे, जो बेधड़क बाजारों में बिक रही है। देख सकते हैं तमाम जो मंडियाँ हैं यहाँ पर सजी हुई है और एक व्यापारी भी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। सामने जो एक व्यापारी हैं जो लहसुन लिए बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहने को उस मंडी में आलू प्याज हर चीज़ जो है वो यहाँ पर मिल रही है और दाम में भी बात की जाए तो दामों में भी तेज़ी है। लहसुन हो, मिर्ची हो, अदरक हो, हर कुछ है। भाई साहब लहसुन के क्या दाम चल रहे हैं अभी? 320 रुपये किलो। कहाँ से आ रही है फिलहाल लहसुन आवक जो आपके पास है? ये तो अभी दलालों के पास आ रही है ना, बाहर का ही, राजस्थान कोटा। कहने को कहा जाए तो इस लहसुन की जो मोटापा है आप देख सकते हैं, मोटाई है और इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं कि ये चाइनीज लहसुन है, मोटी है, क्या कहना चाहेंगे? नाम तो दिया जा रहा है मगर वो है ही नहीं, वो तो अपने यहीं का है, इंडिया ही का है। अच्छा, इसमें ये देसी लहसुन है और इसमें अंतर क्या है? वो देसी में इसका बारीक रहता है और ये मोटा रहता है अपना। अच्छा, बस ये फर्क है, ये मोटे दाने से है। सुगंध में भी मैंने देखा कि इसकी सुगंध है, इसमें सुगंध नहीं है मोटे दाने में, और इसका अपने देसी का थोड़ा टेस्ट अच्छा है, इसका कम टेस्ट। जानकारी है कि ये चाइनीज है या क्या है? वो तो आप दलाल लोग तो मारेंगे, अपन तो माल मिल रहा है, अपन बेच रहे हैं, ये अपन दलाल से ला रहे हैं। अच्छा, कहने को जो दलाल हैं वो बेच रहे हैं और देख सकते हैं ये जो लहसुन है ये बेहद मोटाई में है और रंग भी बदलता है, पहले सफ़ेद फिर काला हो जाता है। ये वही चाइनीज़ लहसुन है जो अमूमन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन फिलहाल जो इसकी बिक्री है एक बार फिर से मध्य प्रदेश के बाज़ारों में देखने को मिल रही है। सेहत से जुड़ी हुई बेहद बड़ी खबर हम है जो दर्शकों को बतला रहे हैं कि इस प्रकार की चाइनीज़ लहसुन अगर आप देख पा रहे हैं जो दाने में मोटी है और अमूमन लाल या फिर काली पड़ रही है, इस लहसुन का उपयोग आपको नहीं करना है। वहीं सरकारी जो जिम्मेदार हैं उनके लिए भी सचेत करने वाली खबर है कि अमूमन ढाबों
ढाबों में या फिर तमाम होटलों में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा होगा, क्योंकि मोटी लहसुन है, इस लिहाज से छीलने में भी बेहद आसान होती है, लेकिन सेहत पर बेहद घातक है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड और केमिकल से बनकर तैयार हुई है। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मनोवस्थी, BSTV जबलपुर। तो जिसे आप सफ़ेद, सुंदर और बड़ा लहसुन मानकर खरीदते हैं, ये सीधे आपकी सेहत पर जो बुरा प्रभाव है वो डालता है। और अब जान लेते हैं कि चाइनीज लहसुन आखिर इतना खराब क्यों है, सेहत के लिए ये इतना खतरनाक क्यों है। तो बता दें कि उगाने और सहेजने के लिए, इसे स्टोर करने के लिए सिंथेटिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। खाने से, चाइनीज लहसुन का इस्तेमाल करने से पेट से जुड़ी हुई बड़ी बीमारियां होती हैं। पेट से जुड़ी हुई तमाम बीमारियां इससे बढ़ती हैं। खाने से जो बीमारियां हैं वो बढ़ती हैं, क्योंकि चाइनीज लहसुन में जो बड़ी मात्रा में जो केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इसे स्टोर करने के लिए। खास तौर में अगर बात करें बीमारियों की, तो अल्सर और इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। किडनी पर भी ये जो चीनी लहसुन है, चाइनीज लहसुन है, ये बहुत बुरा असर डालता है। सेहत के लिए चाइनीज लहसुन बेहद खतरनाक होता है। बता दें कि 2014 से इसके खतरे को देखते हुए भारत में इसे बैन कर दिया गया था। और अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इनमें अंतर की पहचान कैसे करें, क्योंकि लगभग ये देखने में एक जैसे होते हैं। देसी लहसुन और बात अगर चाइनीज लहसुन की करें तो इनमें अंतर स्पष्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ टिप्स बता देते हैं। जो देसी लहसुन होता है उसकी कलियां लंबी होती हैं, पतली होती हैं, लेकिन जो चाइनीज लहसुन होता है उसका जो कलियों का जो साइज होता है वो थोड़ा मोटा होता है, और जो कलियों का जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा और मोटा होता है। देसी लहसुन की कलियां बारीक होती हैं, जबकि चाइनीज लहसुन की कलियां खिली हुई होती हैं, मोटी होती हैं। और अगर गांड के साइज की बात करें तो जो चाइनीज लहसुन होता है वो थोड़ा छोटा भी होता है और थोड़ा मोटा होता है। और इसी के साथ अगर हम रंग की बात करें, रंग में अगर अंतर की बात करें, तो चाइनीज लहसुन जो होता है वो एकदम सफ़ेद होता है, चमकदार होता है, साफ दिखाई देता है। और जब भी आप लहसुन खरीदने जाएं तो पहले इसको सूंघें, क्योंकि देसी लहसुन की जो गंध होती है, जो महक होती है, वो एकदम तीखी होती है, तेज़ होती है। इससे भी अंतर जो है वो लगाया जा सकता है, इससे भी अंतर स्पष्ट हो सकता है। तो चलिए, आप इसी को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ डाइटिशियन शिल्पा ताम्रकर जी भी जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो चाइनीज लहसुन होता है, देसी लहसुन होता है, इसमें क्या अंतर होता है, चाइनीज लहसुन के क्या खतरे होते हैं, तो इधर देसी लहसुन के कितने फायदे होते हैं, और किस तरीके से जो है इनमें अंतर भी देखा जाता है। तो इस तरीके से हम विस्तार से इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। धन्यवाद। जिस तरीके से हमने अलग अलग जगहों की खबर देखी, आगर मालवा में भी ये पूरा मुद्दा उठाया गया, बात अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की करें शिल्पा जी, तो अब ये पूरे बाजारों में एंटर हो चुका है, बाजारों से सीधे किचन में पहुंच रहा है। और आम तौर पर जो उसका साइज होता है, जो उसका कलर होता है, महिलाएं इसे आसानी से खरीद लेती हैं, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी आसान होता है इसको खरीदना, क्योंकि सस्ता भी होता है, रख रखाव भी इसका ईजी होता है। बात अगर हम चाइनीज लहसुन की करें तो क्या, कितना खतरनाक ये हो सकता है, कितना हानिकारक ये सकता, और किस तरह की बीमारियां इससे होती हैं? हम सब ने सुना है, हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये सुंदर मोटी कली का दिखने वाला लहसुन दिखता बहुत डिलीशियस है, बट ये बहुत हानिकारक है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसका उत्पादन ही केमिकल द्वारा किया जाता है। इसको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, इसकी चमक को बढ़ाने के लिए, इनफ इसकी कली की प्रॉपर ग्रोथ हो, इसके लिए भी केमिकल यूज़ होता है। इसमें जो जो केमिकल यूज़ होते हैं, जैसे कि इसमें लेड यूज़ हो रहा है। अब लेट से आपको क्या दिक्कतें हो सकती है, उल्टी, दस्त, पेट दर्द होना, या आपका BP अचानक से बढ़ जाना, ये सारी समस्याएं। फिर उसको क्लोरीन यूज़ किया जाता है ताकि इसको वाइट बनाया जा सके, उससे आपको जो सांस लेने में दिक्कत होना, या फिर जैसे लहसुन छीलते छीलते आपने हाथ फेस पे लगा लिया या आइस पे लगा लिया, तो वहाँ पे जलन होना, अचानक से खांसी आना, या आहार नली में जलन होना। अब इसके साथ ही इसमें मिथाइल ब्रोमाइन मिलाया जाता है ताकि इसमें फफूंद ना पड़े, इसको लॉन्ग टाइम तक के स्टोर कर सकें। तो उससे ये डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम पे वार करता है। तो सोचिए, अगर कोई चीज़ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वार कर रही है तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, इम्यूनिटी वीक होगी तो आपको बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं।
साथ ही जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि इसमें क्लोरीन भी मिला रहता है, तो उससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, अस्थमा अटैक आ सकते हैं। अब अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो आपको ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना, ये सिंपल सी प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द होना, इन्फ्लामेशन होना, ये चीज़ें होंगी। बट यदि आपको पहले से ही कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो वो एक क्रॉनिक रूप ले सकती है। जैसे यदि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, यदि आपके बाउल में पहले से ही कुछ घाव हैं, ये उनको बड़ा कर सकती है, ये अल्सरेटिव कैंसर बन सकता है, ये कोलोन डिजीज़ बन सकती है, तो ये एक बड़ा रूप ले सकती है यदि आप इसका लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तो। बिल्कुल शिल्पा जी, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है, कौन कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, लेकिन अगर हम लहसुन की बात करें, यहाँ पर अब मैं चाइनीज़ लहसुन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लहसुन की बात कर रही हूँ जो हमारा देसी लहसुन होता है, इसे सेहत का खजाना भी कहा जाता है, आयुर्वेद में हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अब जब जो दवाई है वो ही जहर बन जाए तो इससे बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से जो डिफरेंशिएट है दोनों में किया जा सकता है? यही चीज तो देखने की बात है कि हम एक जगह हमारा जहर है, एक जगह दवाई है, लेकिन यदि आप जहर को ही दवाई समझ के खरीदने लगेंगे तो ऑब्वियसली चीजें आपको नुकसान करेगी। और हम बहुत खुशनसीब है कि हम भारत जैसे देश में हैं जहां पर आप कोई भी औषधि अगर यूज करना चाहें तो जितने जड़ मूल कंद हैं, जैसे अदरक हुआ, लहसुन हुआ, यही सारे यदि हम खाएं तो हमको भी बीमार ना हो, शीट्स हैं इतनी अच्छी। तो जो हमारा इंडियन लहसुन है ये सीरियसली आयुर्वेदा में भी इसको बहुत अच्छा माना गया है, ये दवाई के रूप में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन B6 होता है, और साथ ही इसमें मैग्नीज होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। हम हमेशा बात करते हैं जो बड़ी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, या स्टमक रिलेटेड डिजीज़ हो गई, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये हमारे क्या बोलना क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो ये हमारे हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। इसमें एंटीबायोटिक होते हैं जो कि कैंसर रोगी, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको हील करने का काम करती है, ये हमारा पाचन स्ट्रांग करती है। यदि आपको पेट दर्द या इन्फ्लामेशन है या फिर आपके गट में कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये उसको हील करने का काम करती है। तो ये सीरियसली आयुर्वेदा में भी इसको दवाई ही माना गया है। बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से एक खजाना होता है स्वास्थ्य के लिए, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, हार्ट पेशेंट के लिए लहसुन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और कच्ची कलियां खाने की सलाह भी दी जाती है जो भी हार्ट पेशेंट हैं। लेकिन अगर हम चाइनीज़ लहसुन की बात करें, आपने इसका बताया क्या क्या बीमारियाँ इसमें हो सकती हैं, अगर हम बच्चों की बात करें तो जो छोटे बच्चे हैं उन पर क्या असर ये डाल सकता है, किस तरीके से उनको प्रभावित कर सकता है? बच्चों को हमेशा फास्ट फूड से दूर रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप सजग हों, आप इन लहसुनों को नहीं खरीदें, लेकिन अगर रेस्टोरेंट में वो लहसुन यूज़ हो रहे हैं, आपका बच्चा वो चीज़ खा रहा है, तो उसके गट पे वार होगा। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसको भी डैमेज करता है। यदि स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होगी तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी। सेकेंडरी, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होता है उनको कम करता है, और जो बैड बैक्टीरिया होता है उनका ग्रोथ करता है। यदि आपके गट में फंगस ज़्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि बैड बैक्टीरिया इट मीन्स ये फंगस बढ़ाता है, अगर फंगस ज़्यादा बढ़ने लगेंगे तो ओबिसिटी होना, बच्चे का चिड़चिड़ापन होना, या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, बार बार बुखार आ जाना, ये सारे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से चाइनीज़ लहसुन के इतने ढेर सारे नुकसान हैं, ढेर सारे क्या नुकसान ही नुकसान हैं, उनसे बचाव क्या हो सकता है? पहला बचाव तो यही है कि हम इसे खरीदें ना, और मान लो अगर अनजाने में भी अगर घर की महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं तो किस तरीके से शिल्पा जी इससे बचा जा सकता है, इसको लेकर कोई टिप्स? पहले तो यही चीज़ है कि ना खरीदें, बट इन अ केस आपने किसी गलती से या फिर ना पता होने की वजह से इसको ले आए हो, आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सिम्टम्स घर में ही नज़र आने लगेंगे। यदि आपका घर के मेंबर्स को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको लहसुन छीलने पर, जैसे अभी मैंने बताया था, क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है ना, तो अगर हम लहसुन छीलते हैं फिर उसके बाद हमारी
उंगलियों में इचिंग होना, जलन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये चीज़ें मिलती हैं। तो आप कोशिश करिए यदि ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो वो लहसुन ना खाएं, और उसके बावजूद भी यदि आपने खा लिया है तो आप एक बार डॉक्टर की परामर्श ज़रूर लें। और यदि आप घर पे ही इसको ठीक डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो फर्स्ट एड आप नींबू पानी पी सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा सकते हैं और इससे होने वाले जो हानिकारक जो प्रभाव हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, उनको किसी हद तक रोका जा सकता है। चाइनीज़ लहसुन की अगर हम शिल्पा जी बात करें तो उसकी लाइफ कितनी होती है, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि जो देसी लहसुन है वो लंबे समय तक हम घर में स्टोर करते हैं। जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने भी जब बातचीत करने की कोशिश की थी, जब बात उसने की थी वहाँ पर, तो उसने भी ये बताया था कि काले पड़ जाते हैं कुछ समय के बाद, इनको स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों ये काले पड़ जाते हैं और कितनी लंबी इनकी लाइफ होती है? क्योंकि इनमें मिथाइल ब्रोमाइड मिलाया जाता है, इस वजह से इनको 7 मंथ से लेके 12 मंथ तक के आप स्टोर कर सकते हो। सोचिए आप इतना लंबा टाइम तक किसी वेजिटेबल को स्टोर कर पा रहे हो, ठीक है। अब उसी की वजह से ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, तो केमिकल जब तक रहेगा इसकी लाइफ बढ़ती रहेगी। जहाँ केमिकल कम होने लगेगा, क्योंकि जब ये इंडियन मार्केट में आ जाता है तो वो आउटसाइड केमिकल का छिड़काव वो नहीं हो रहा है, उस वजह से ख़राब होना शुरू हो जाता है। बाकी इसकी लाइफ आप 7 मंथ से 12 मंथ तक के बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और ठंड भी आ रही है और ऐसे में ठंड में लहसुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। अगर ये हमने तमाम जो डिस्कशन किया है शिल्पा जी, ये चाइनीज़ लहसुन को लेकर किया है, क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, किस तरीके से इससे बचा जाए, लेकिन अगर अब हम देसी लहसुन की बात करें, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल बेहद ज़्यादा होगा, ठंड में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, तो तमाम बीमारियों से दूर रहने के लिए देसी लहसुन का इस्तेमाल हम कैसे करें? लहसुन आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको कच्चा खा सकते हैं, लहसुन की आप चटनी बना के खा सकते हैं। यदि आप कच्चा लहसुन खाते हैं तो आपके लीवर के लिए भी फ़ायदेमंद है, साथ ही आपका हार्मोन्स बैलेंस करने में भी काम आता है। लेकिन कभी भी ध्यान रखें, लहसुन कब नहीं खाना चाहिए। हर चीज़, अगर आप दवाई का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसे कब खाना है कब नहीं खाना, आपने सुना होगा कुछ दवाइयाँ दूध के साथ दी जाती है, कुछ पानी के साथ दी जाती है, कुछ बोलता है आप खाने के बाद खाना। ऐसे लहसुन को भी सुबह उठ के खाली पेट कभी ना खाएं। इसको जब भी आप खा रहे हैं तो साथ में भोजन ज़रूर हो। यदि आप कच्ची कलियाँ भी खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ साथ में आपके पास सब्जी रोटी हो, या फिर तो जैसे कि आप सर्दी जुकाम या इम्यूनिटी स्ट्रांग करना चाहते हैं, सर्दी जुकाम से बचना चाहते हैं, तो जो फुटाने होते हैं भुने चने, उनके साथ में आप कच्चे लहसुन खा सकते हो, इसको तवे पे रोस्ट करके खा सकते हैं। लेकिन कब ना खाएं, सुबह उठते से खाली पेट ना खाएं, सहगा ना निगलें, क्योंकि इसका असर तभी होगा जब इसको आप चबा चबा के खाओगे, तब आपके सलाइवा में मिक्स होगा। फिर जिनका हार्ट का ऑपरेशन तुरंत हुआ है वो ना खाएं, क्योंकि उनके पहले से ही जो लहसुन होते हैं उसमें गुण होते हैं कि खून को पतला करता है, इसलिए हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर किसी का तुरंत ही ऑपरेशन हुआ, उसके पहले से दवाइयाँ चल रही हैं, तो उस बीच लहसुन आपको नुकसान कर सकता है। बिल्कुल शिल्पा जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपकी तरफ। हमारे रिपोर्टर भी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, तमाम डिस्कशन हम चाइनीज लहसुन को लेकर कर रहे हैं। चाइनीज लहसुन की अगर हम बात की जाए, हमारे साथ डाइटिशियन शिल्पा ताम्रकर जी भी जुड़ी हुई है, उन्होंने बताया कि कितना नुकसानदायक ये होता है, किस तरीके से कौन से केमिकल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं जो उसको और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रतीक यहां पर यही उठता है कि बैन के बावजूद, प्रतिबंध होने के बावजूद भी ये मार्केट में किस तरीके से आ रहा है, क्यों बैन के बावजूद भी इसकी आवक है जो वो अचानक से बढ़ने लगी है, और क्यों अब तक इस पर रोक नहीं लगाई गई है और लोग धड़ल्ले से इसे खरीद रहे हैं? हाँ देखिए बिल्कुल प्रीता, व्यापारियों का यही कहना था कि इसे कहीं ना कहीं गैर कानूनी तरीके से, या फिर जो एक बड़ा कंटेनर आता है उसमें बीचों बीच जो व्यापारी हैं इसे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और एक लंबे समय से गोरख धंधा जो है वो फल फूल रहा है। और हाल ही में इस साल तकरीबन 3 साल पहले ऐसे चाइनीज जो लहसुन थे जिसे गार्लिक कहते हैं वो पाए गए थे, लेकिन एक बार फिर से 3 साल बाद जलपुर के मार्केट में इसे देखा गया है, तो ये चिंताजनक बात है, लाजमी है। फिलहाल जो स्रोत बताया जा रहा है वो असम का बॉर्डर बताया जा रहा है और बिहार का बॉर्डर बताया जा रहा है, जहां से अमूमन ऐसे जो चाइनीज, जैसे शब्दावली में उपयोग करते कहते हैं चाइनीज लहसुन जो है वो जलपुर के मार्केट पर, न केवल जलपुर बल्कि आसपास के जो जिले हैं और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी जो है इसकी खपत की जा रही है।
केमिकल पेस्टिसाइड से इसे बनाया जाता है। जैसा कि गूगल भी अगर कोई आम इंसान करेगा कि आखिर किस तरीके से चाइनीज लहसुन बनाए जाते हैं, तो स्पष्ट तौर पर इसका उल्लेख है केमिकल से और पेस्टिसाइड का उपयोग करके इसकी ग्रोथ की जाती है, जो बेहद घातक है। अगर गार्लिक की बात की जाए तो ये जायका बढ़ाने में इसका जो उपयोग होता है, चाहे वो लहसुन हो, प्याज हो या मिर्च हो, ये कहीं ना कहीं जायकेदार बनाता है किसी भी व्यंजन को। और ये जायका ही अगर नकली हो और हानिकारक हो तो लाजमी है ये आम जनता की सेहत के लिए एक अलार्मिंग कंडीशन जो है वो बता रहा है। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच की बात यहाँ पर की है और खबर दिखाए जाने के बाद संभवतः देर शाम तक जो दल है वो भी मंडी में दस्तक दे सकता है। तो हरकत पर प्रशासन कम से कम खबर दिखाने के बाद आया है और सेहत से जुड़ा हुआ चुकी है। बिल्कुल प्रतीक, और बीएसटीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है कि प्रमुखता से बार बार हम ये खबर दिखा रहे हैं, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अब जाकर प्रशासन एक्टिव हुआ और इस मामले में एक्शन लेने की बात की जा रही है। लेकिन प्रतीक, जब आप सुबह मंडियों में पहुंचे थे, आपने दुकानदारों से भी बातचीत करने की कोशिश वहां पर की थी, तो क्या वजह उन्होंने बताई है? क्योंकि आसानी से जो ये जो चाइनीज लहसुन है ये बिक जाता है, क्या अंतर होता है, प्राइस में क्या अंतर होता है और क्या कुछ इन दोनों में ऐसा अंतर देखा जाता है कि इनके लिए भी फायदेमंद होता है, इसलिए जो दुकानदार है वो लहसुन को बेचते हैं? जैसा कि बताया गया, जो ये जो प्रतिबंधित लहसुन है अमूमन 100 से 150 रुपए किलो मिल जाता है, जबकि जो असल लहसुन है फिलहाल आज उसकी कीमत 340 रुपए किलो है। तो एक बड़ा मुनाफा जो है तो वो कहीं ना कहीं एंगेज है और जो बिचौलिए होते हैं जो व्यापारी के बीच और एक थोक व्यापारी के बीच, यानी थोक का आशय मेरा है जो दूसरे राज्य से कंटेनर में डील करते हैं, ये जो बिचौलिए होते हैं वो ही कहीं ना कहीं चाइनीज लहसुन में खेल करते हैं और बड़े कंटेनर्स के बीचों बीच इसका गोरख धंधा जो है लंबे समय से फल फूल रहा है। अन्य राज्यों में भी इसमें कार्रवाई की गई, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, वहां पर चाइनीज लहसुन को लेकर के बड़ी कार्रवाई देखी जा चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी दस्तक हो चुकी है, गुपचुप तरीके से बिक रहा है, लेकिन जिम्मेदार अभी भी मौन है। एक बड़ा खिलवाड़ स्वास्थ्य के साथ हो रहा, नहीं कह सकते। बिल्कुल, लहसुन क्योंकि हमारे किचन का, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है और ऐसे में ये लहसुन असली हो ये बेहद ज़रूरी होता है। फिलहाल नज़र लगातार बनाए रखिएगा प्रतीक, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। शिल्पा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने तमाम टिप्स हमारे दर्शकों को दिए, आपको भी बहुत धन्यवाद।